Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Srivastava. Today we will discuss about scientific notation and significant figure in some basic concept of chemistry. जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर लिया था उसमें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी बातें करी थी. आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन. कुछ सुना सुना सा वर्ड लग रहा है या नहीं? ठीक है ना. साइंटिफिक नोटेशन है. साइंटिफिक, पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा या जानिए. साइंटिफिक नोटेशन इज द वे दैट साइंटिस्ट इजिली हैंडल वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर. ठीक है ना. इजिली हैंडल वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है 0.0000056. ठीक है ना. यहाँ पर 80 है, देन 56 है. तो इसको आप कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? तो वी राइट 5.6, 5 के बाद 0.6 लगाया, इंटू 10^-9. ठीक है ना. अब इसको हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में. जैसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू 10^n, वेयर एन इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है ना. एंड इट वेरीज बिटवीन 1.000 to 9.999. अब आप इसको दूसरा पॉइंट करके लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर, जैसा कि अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे, एक आपको डेफिनेशन दी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू 10^n. अब इसमें एन क्या है? वेयर एन इज द वेयर एन इज एन एक्सपोनेंट. ठीक है ना. हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. ठीक है ना. पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. वैल्यूज एंड कैपिटल एन इज ए नंबर कॉल्ड, इसे हम कहेंगे डिजिट नंबर. क्या कहेंगे इसे? डिजिट नंबर बोलेंगे. डिजिट या डिजिट टर्म बोलेंगे. डिजिट टर्म. ठीक है ना. विच वेरीज, एक कैसे वेरीज करेगा? विच वेरीज 1.00 एंड 9.999. ठीक है ना. तो
पहला हमने क्या बताया कि जो साइंटिफिक नोटेशन है इज द वे दैट साइंटिस्ट इजिली हैंडल वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर. जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि एक एग्जाम्पल है 0.8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है, इसमें 8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है एंड 5/6. तो इसको हमने कैसे लिखा, वी राइट 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9. फिर हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, इसको हमने फिर दूसरे तरीके से आपको, अभी पहले हम आप डेफिनेशन समझा रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एन इंटू 10 की पावर स्मॉल एन. एन क्या होता है, स्मॉल एन इज एन एक्सपोनेंट. स्मॉल एन क्या है, एक्सपोनेंट है हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है. एंड कैपिटल एन इज द नंबर, इसे कहते हैं डिजिट टर्म. इन टर्म किस टर्म में बोला गया, डिजिट टर्म विच वेरीज 1 से लेकर के 9.99 तक हो सकती है. तो ये तो हमने आपको कुछ डेफिनेशन क्लियर करी है. अब आगे थोड़ा और बताते हैं इसको, इसके बारे में. जैसे वी कैन राइट 232.508, ठीक है ना. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 232.508 है तो इसको हम लिखेंगे 2.32508 एंड 10 की पावर कितनी हो जाएगी, इसका इसकी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2. ठीक, इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन. आपको एग्जांपल समझ में आया, जैसे एक वैल्यू है 232.508, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया 0.32508 इज ए साइंटिफिक, इन साइंटिफिक नोटेशन. तो इसमें नोट करिए कि दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय टू प्लेसेस, टू द लेफ्ट बाय टू प्लेसेस. देखिए, ठीक है ना, 2.32 है, इसको हमने लिखा 2.32508. तो इसमें आप ऐसे करके लिखे कि नोट दैट वाइल राइटिंग इट, ठीक है ना, वाइल राइटिंग इट द डिसमल हैड the decimal had to be moved to the left, यहां से decimal दो प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव किया है, टू द लेफ्ट बाई टू प्लेसेस, ठीक है ना, बाई टू प्लेसेस. तो डेसिमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाई टू प्लेसेस. ठीक है, टू प्लेस की तरफ, ये देखिए यहां पर बाई लेफ्ट से दो प्लेस मूव करा है और इस ये यहां पर डेसिमल लगाया गया है. एंड सेम इज एन एक्सपोनेंट, एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन, इन द साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है ना, डेसिमल इसमें देखिए, ये एक हमने एग्जाम्पल दिया 232.508, तो इसको हमने 2.32, यहां पर 10 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई. क्यों हुई, कि इज ए साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो इसको इस ढंग से हम लिखेंगे 2.32508 इंटू 10 की पावर 2. तो इसमें नोट करने वाली बात है कि वाइल राइटिंग इन द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड
टू द लेफ्ट बाय टू प्लेसेस, ठीक है ना। इसलिए इसको हम 10 की पावर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, एंड सेम एज इन एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। अब आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरली 0.00016, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि हेयर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 places टू द राइट, एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन, आपको समझ में आया। माइनस क्यों लगाया गया कि इसमें डिसिमल हैज टू मूव फ्रॉम 4 places टू द राइट, ठीक है ना। यहां पर डेसिमल लगाया हमने तो 1, 2, 3, 4 places फ्रॉम द टू द राइट, एंड -4 इज द एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर में, माइनस में लिखेंगे इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन की एक प्लस में थी और एक माइनस में थी। तो राइट में जब डेसिमल मूव कर रहा था 4 places, 2 places, 3 places, तब उसको क्या लिखेंगे, माइनस में। और जब लेफ्ट से मूव करेगा, जो कि आपको हमने बताया है कि वाइल राइटिंग द डेसिमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय 2 places, यहां पर डेसिमल लेफ्ट से 2 place मूव करा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे लिखा गया, 10 की एक्सपोनेंट 2 में लिखी गई, प्लस में लिखी गई है, माइनस में नहीं लिखी गई है। तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। अब आपको हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। तो दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। दैट इज, जैसे मान लीजिए कोई डिजिट लिखी हुई है आपकी 5.6 × 10⁵ × 6.9 × 10⁸, तो इज इक्वल टू 5.6 × 6.9 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो जो 10 की पावर है दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी ये इस ढंग से लिखी जाएगी 5 + 8 जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5.6 × 6.9 × 10⁵ (8 or 5) 13 हो गया यहां पर, ठीक है ना। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.6 × 6.9, ये आ गया 30। फिर से देखते हैं, 5.6 × 6.9 ये आया 38.64। ये देखिए कितना आया, आपको अगर दिख रहा हो अगर, तो ये आया 38.64 × 10⁰, ठीक है ना। अब डिसिमल कैसे करेंगे, यहां पे लगाइए 1 place पे, इसको ऐसे करा 3.864 × 10⁰ (13 था तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है।
कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 2.6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 4, आप इसको भी करिए तो वही सेम फॉर्मूला 2.6 इंटू 3.8 और यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये एग्जाम्पल पहला दिया था हमने, ये एग्जाम्पल दूसरा दे रहे हैं, यहाँ पर 10 की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करने पर 8 प्लस 4 12 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करा हमने 8.6 इंटू 3.8, ये हो जाएगा 32.68 इंटू 10 की पावर 12। फिर इसको अगर डिसमल में लिखेंगे 10 की पावर में तो 3.268 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। तो इस ढंग से हम मल्टीप्लिकेशन में साइंटिफिक नोटेशन को लिखते हैं। अब आते हैं हम डिवीजन में, डिवीजन की बात करें, डिवीजन देखिए, डिवीजन में जैसे एक एग्जांपल है 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 और 2.5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 2.5 और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 प्लस माइनस 6, ऐसे ही करना बताया था ना, दोनों की पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये आ जाएगा 9.8 इंटू 2.5 10 की पावर माइनस 2 एंड माइनस 6, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 8 आ गया, तो 9.8 इंटू 2.5 10 की पावर 8 हो गया। अब हम देखते हैं इसको, इसको जब मल्टीप्लाई करिए 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इज इक्वल टू ये आया 24.5, कितना आया 24.5 इंटू 10 की पावर, यहां माइनस 8 में आ रही थी, ठीक है ना। तो अब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे अगर तो 2.45 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू, हाँ ये कितना हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। और अगर हम डिवीजन में करें 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड 5.5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 और पावर जो होंगी आपस में माइनस 3 प्लस, माइनस 3 ऊपर जाने पे पावर माइनस होगी तो ये हो जाएगा माइनस 4, तो ये बराबर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इन दोनों को डिवाइड करिए 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 ये आया 0.4909, ये आ गया 0.4909 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 7 हो जाएगी माइनस में, ठीक है। फिर अगर हम पॉइंट में लिखेंगे 4.909 देन इट बी 10 की पावर माइनस 8, इस ढंग से हम साइंटिफिक नोटेशन
दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, साइंटिफिक नोटेशन कैसे हमने निकाला है, कैसे करा हुआ है, पावर में कैसे लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। पहला है 0.0048, ठीक है ना। दूसरा है 23400, थर्ड है 8008, फोर्थ है 500.0 एंड फिफ्थ है 6.0012। ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, ये पांच हमने दिए हैं, इसको आपको निकाल के बताना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले देखिए ये हो जाएगा जो फर्स्ट आंसर है 4.8, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3, ठीक है ना। तो माइनस में हमने आपको बताया था कब लिखते हैं, कि आपको एक एग्जांपल दिया था हमने कि 0.0016 कैन बी रिटेन एज 1.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना। आप ये देखिए, एक हमने आपको बहुत शुरू में एक न्यूमेरिकल दिया था, ये वाला 0.006, इसमें 1.6 इंटू 10 की पावर -4 आया था। ये कैसे आया था, कि हेयर द डिसिमल हैज टू मूव्ड फ्रॉम प्लेसेस टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट। तो 1.1234, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद डिसिमल लग रहा था, ठीक है ना। तो ये माइनस में लिखा जाएगा, तो एंड हैज टू मूव 4 प्लेसेस टू द राइट, कहां पे 1.6 लगा, तो 1, 2, 3, 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 में। वैसे ही ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ 0.004 है, तो यहाँ डिसिमल कितने प्लेस पर लगा राइट से, 3 प्लेस पे, 1, 2, 3, तो ये 10 की पावर माइनस में लिखा गया है, ठीक है ना। फिर दूसरा है सेकेंड आंसर 2, 3, 4, 0, 0, 0, तो इधर से, इधर का भी आपको हमने एक एग्जांपल दिया था, ये देखिए वी कैन राइट 2, 3, 2.50 था, तो इसमें 2.2 के बाद ही डिसिमल लगाया था, 2.32508। तो साइंटिफिक नोटेशन में से कैसे लिखा गया था, जब शुरू में हम समझा रहे थे कि वाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस, ठीक है ना, लेफ्ट बाय द 1, 2, तो 2 प्लेस के बाद ही डेसिमल लग गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव में लिखी गई थी, तो यहां पे देखिए 2, 3, 4, यहां पर भी 2 के बाद डेसिमल लग रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट से। तो यहां पर देखिए 2.34, तो अब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 10 की पावर 5 हो जाएगी प्लस में, ठीक है ना। इधर राइट से डिसिमल है, इधर लेफ्ट से, ठीक है ना, 2 डिजिट के बाद। अब थर्ड देखिए 8008 है, 8008 है, तो 1, 2, 3 के बाद ही डिसिमल लग गया है, लेफ्ट से देखिए, तो 8.008 इंटू 10 की पावर 3। इधर देखिए 5.00 है,
ठीक है ना, यहाँ पे डिसमल यहाँ पे अगर लगाए फोर्थ वाले में 500 में, तो 5 के दो डिजिट के बाद है, तो इंटू 10 की पावर 2, 6 पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, 6.0012 है, तो यहाँ पर 10 का जो डेसिमल प्लेस कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 4, 5, 6 हमने आपको दिया है, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट, ठीक है ना, राइट से देखिए 4.8 है, तो कितने के बाद 1, 2, 3, तो ये माइनस में जाएगा। 2.3 यहाँ डेसिमल लेफ्ट से लग रहा है दो डिजिट के बाद, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 2.34 10 की पावर 5 जा रहा है। 8.008 हो गया यहाँ पर 10 की पावर 3, 1, 2, 3। 5.00 10 की पावर 2, यहाँ पर डेसिमल का कोई प्लेस के नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस थे, कर लीजिए से, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आपको हमने अभी अभी समझाया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं आपस में, ऐड हो जाती हैं, और डिवीजन में जब डिवाइड करते हैं तो जब उसको ऊपर ले जाते हैं वो पावर माइनस में जाती है, फिर उससे ऐड हो जाती है। अब दूसरा है फैक्टर आ रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दूसरे ढंग से हम बता रहे हैं आपको। यहां पर जैसे फॉर एडिंग 6.65 इंटू 10 की पावर 4 एंड 8.95 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0, इसको ऐड करेंगे, हाँ डिसमल यहाँ पे 0.895 अगर कर दिया, ठीक है ना, 0.895 इंटू 10 की पावर, तब क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। बहुत आसान चीज है, अभी हमने कई बार एक्सप्लेन करा है इसे, ठीक है ना। अब आप देखिए, हाँ अब इसमें देखिए, जो एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर, ठीक है ना, सेम फॉर बोथ द नंबर, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच ए वे, इसमें लिखते हैं फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, उनका जो एक्सपोनेंट, ठीक है ना, इस तरीके से दोनों नंबरों को लिखते हैं कि उनका कब, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, तो जैसे ये एग्जांपल लिया था 6.65 इंटू 10 की पावर 4, अब सबको एक्सपोनेंट तो लिखना आ गया होगा, एंड 8.95 इंटू 10 की पावर 3, अब इसको हमको 4 करने के लिए क्या करा, हमने 0 लगाया, 0 के बाद डेसिमल लगाया, तब इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू चेंज हो गई, यहां पर 10 की पावर 4 हो गई, ठीक है ना, 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट, आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट दे हैव आफ्टर दैट
the coefficient, the coefficient are added. Coefficient का मतलब power. Coefficient are, after that the coefficient, sorry, coefficient not power, coefficient are added or subtracted, or subtracted. ठीक है ना, जैसे यहां पर हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने पर कितना आया, 6.65 प्लस 0.895, ये आया हमारा 7.545. ठीक है ना, ये कितना आया 7. आप लोग भी करते चलिए, कैलकुलेटर रखिए साथ साथ में, इंटू 10 की पावर 4 आया. ठीक है ना, तो ये हुआ एडिशन की बात, कोफिशिएंट्स आर एडेड. ठीक है ना, फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नोटेशन उसकी किस तरीके से हम लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में उसे कैसे लिखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि उनकी जो पावर है, 10 की पावर जो भी है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी, एनीवे, तो उन दोनों में देखेंगे कि दोनों की पावर को सेम कर लेंगे. फर्स्ट द नंबर आर रिटेन सच ए वे दैट हैव सेम एक्सपोनेंट, जो उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो. फिर आफ्टर दैट द कोफिशियंट आर एडेड, उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इसका ये आंसर आया 7.545 इंटू 10 की पावर 4. अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सिमिलरली द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर्स कैन बी डन एज शोन. कैसे दिखाते हैं उसे, जैसे 2.5 या हम 3.6 लेते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 3. यहाँ पे लेते हैं 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है ना, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और यहां पर लिख लेंगे 0.68, 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. ठीक है ना, ठीक है, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 थी, अब यहां 0.68 कर दिया हमने, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी. तो 3.6 माइनस 0.68 कर लेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे. तो अब आप इसको माइनस करके देख लीजिए, जीरो पॉइंट सिक्स एट, ये करीब आया 2.92 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ये देखिए, ठीक है, तो ये इस ढंग से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं. तो एडिशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले कि फर्स्ट द नंबर आर रिटेन इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट. पहला पॉइंट, सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए कि नंबर इस तरीके से लिखें कि उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो. फिर आफ्टर दैट द कोफिशियंट आर एडेड, फिर दोनों को ऐड करते हैं और या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे यहाँ 10 की पावर 3 था, यहाँ 10 की एक्सपोनेंट है इसका 4, इसका 3 है, तो 3 और 4 को सेम करने के लिए सेव करा पहले. ठीक है ना,
यहाँ पर देखिए थ्री था, तो इसको हमने यहाँ पर फोर है और ये थ्री है, तो इसको फोर करने के लिए यहाँ जीरो लगा के पॉइंट डेसिमल करा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन की पावर फोर हो जाएगा। फिर इसमें कोफिशेंट ऐड करते हैं और आंसर निकालते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी है कि पावर इसको एक्सपोनेंट सेम करते हैं, यानी माइनस टू है या माइनस थ्री है, तो माइनस टू करने के लिए 0.68 करा हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिसमल कितना, यहाँ पर दो डिजिट राइट से देखिए डिसमल लगाया है, तो यहाँ माइनस टू हो गया, ठीक है ना। और इस तरीके से दोनों कॉमन है, कॉमन बाहर कर लिया और इन दोनों को कोफिशियंट को सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसका हमने एग्जांपल्स कराए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं और हमने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश भी करी है। आप भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए तो अच्छे ढंग से आपको भी समझ में और अच्छे ढंग से भी आएगा, ठीक है ना, और आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं आप इसे कि सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। तो सिग्निफिकेंट क्या है, एक मीनिंगफुल फिगर है और जिसे जिसमें क्या है, विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है ना। दूसरी, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अब अनसर्टेन, जब सर्टेनिटी है तो कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी, तो अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है 11.2 ml है मान लीजिए, या 12.3 ml है, तो इसमें आपको बताना है सर्टेन डिजिट क्या है और अनसर्टेन डिजिट क्या है, ठीक है ना। तो 11 इसमें क्या है, 11 इज सर्टेन, ठीक है ना, 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी, ठीक है ना, पहले आप इतना समझिए, 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 12.3 लिखे हैं तो 12 इज सर्टेन एंड 3 इज अनसर्टेन, ठीक है ना। तो ये आपका हम क्या पढ़ा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहे हैं।
तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने क्या आपको बताया, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन एज सर्टेनिटी, ठीक है ना। तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपको बताना होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो जैसे पहला है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहली बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 385, ठीक है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट, इसके कितने फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। एंड इन अगर कहा जाए 0.45 ml, तो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये इस ढंग से लिखा जाता है, अंडरस्टूड। तो पहला क्या है, जैसे ऑल, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। जैसे अगर 385 लिखा है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, एंड 0.45 लिखा है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है, रूल नंबर 2। अब दूसरा ये कि 0 प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था 0.45, ठीक है ना, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या थी, 2 थी, 0 को काउंट नहीं किया गया, तो 0 प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट कहा गया। तो सच 0 इंडिकेट्स द पोजीशन, वो केवल क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। फिर थर्ड है, जैसे अगर कहा जाए 0.004, तो 0.004 हैज कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। एंड अगर कहा जाए 0.0085, तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2, हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस ढंग से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। सबको अच्छे ढंग से समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब, ठीक है ना। अगर कहा जाए 3.0068, ठीक है ना, तब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी, 5 हैज
5 सिग्निफिकेंट डिसमल से जो पहले लगता है जीरो या डिसमल के बाद जो जीरो है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आपने दो केसेस देखे, यहां पर काउंट हो रहा हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। या एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे 2.005 हैज 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने अंतर समझा जीरो कहां कहां लग रहा था, जहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं काउंट हो रही थी, जहां पर जीरो डिसमल के पहले जीरो काउंट नहीं हो रहा था, डिसमल के बाद भी जीरो काउंट नहीं हो रहा था। यहां भी देखिए डिसमल के जितने भी बाद जीरो है नहीं काउंट हो रहे हैं, डिसमल के पहले भी नहीं काउंट हो रहे हैं, केवल सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर दो बता रहा है, यहां पर एक। लेकिन इस केस में देखिए यहां पर 3.0068 है, तब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी सिग्निफिकेंट 2.005 है, तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है ना। तो आपका चौथा रूल ये है कि जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डिसिमल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.200 एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डिसिमल पॉइंट, तब इसकी वैल्यू होगी। तो इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डिसिमल पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 है, 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें एक और रूल नोट करिए, इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट ठीक है ना, इफ देयर इज नो डिसिमल पॉइंट, अगर वहां पर कोई भी डिसिमल नहीं है, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, पॉइंट नोट करिए नो डिसिमल पॉइंट, तो उनकी सिग्निफिकेंट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डिसिमल पॉइंट, ठीक है ना। जैसे 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बट 100 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 100.0 है, अगर 100 पॉइंट है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। अगर 100 पॉइंट है तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो इस ढंग से हम ये रूल है, आप फोर्थ रूल था शायद, फिर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में और अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
जैसे 100 है तो 100 एस 1 इंटू 10 की पावर 2, ठीक। तो फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत आसान है। एंड अगर कहा जाए 1.00 तो 10 की पावर 2, देन इस समय इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर्स, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट रूल है काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स और 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल। जैसे 2 है तो 2 बराबर 2.6, या फिर 20 है तो इसको लिखेंगे 20.6, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल जैसे 4.10 इंटू 10 की पावर 2 है तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। अगर कहा जाए 9.268 है, ठीक है ना, 9.268 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको हमने कुछ रूल्स बताए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, कि जैसे आपको हमने बताया कि एक रूल था आपका कि जैसे ये 4.10 इंटू 10 की पावर 2 है तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 9.26 है, 68 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू रख रहे हैं इसकी हमने, जैसा कि ऊपर से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और कैसे डिसमल के पहले डिसमल के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं, वो हमने आज आपको समझाया है। और आई होप कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक चीज और है, वन थिंग मोर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो जैसे 12.11, 18.0, 1.012 इसको ऐड करा तो करीब आया 31.122, ठीक। तो अगर 18 की बात करें तो हैज ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विच इज 31.11, ठीक है ना। तो ये आपको हमने कुछ चीजें आपको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताई, आगे इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको जितना भी अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया है वो आप उसको अच्छी ढंग से देखिए, पूरे लेक्चर को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है, और पीछे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, होपफुली आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच,
Have a nice day. Thank you.